आगरा में मंगलवार को स्कूली बच्चों से भरी वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद बच्चों में चीख पुकार मच गई। राहगीरों और होमगार्ड ने बच्चों को वैन से बाहर निकाला। वैन में 15 स्कूली बच्चे सवार थे। बताया जा रहा है कि वैन का ब्रेक फेल हो गया था। दोपहर करीब 1:30 बजे सेंट क्लेयर्स पब्लिक स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे वैन से जा रहे थे। वैन संख्या UP 83 AT 3033 में करीब 15 बच्चे सवार थे। बच्चों को लेकर वैन चालक माल रोड पर जा रहा था। रास्ते में स्कूल वैन बिजली के खंभे से टकरा गई। खंभे से टकरा कर वैन दीवार में जाकर घुस गई। घटना के बाद बच्चे रोने लगे। लोगों ने बच्चों को सड़क किनारे खड़ा कर शांत कराया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वैन चालक किसी वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा था। ऐसे में सड़क किनारे लगे खंभे से वैन जा टकराई। वहीं चालक ने बताया कि वैन का ब्रेक फेल हो गया था। गलीमत रही कि वैन पलटी नहीं। अगर वैन पलट जाती तो गंभीर हादसा हो सकता था। वैन में सवार 2-3 बच्चों की मामूली चोट बताई गई है। सूचना पर पुलिस भी पहुँच गई। वैन में सवार बच्चे आसपास के क्षेत्र के हैं। सूचना पर उनके परिजन भी पहुँच गए। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।